तो गाइस कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में आ चुका हूँ भाई पोलैंड टेक स्काई ब्लॉक में। भाई एफ वी ग्रीन में पहले खेल चुके हैं थोड़ा बहुत, तो जी जैसे आपको पता होगा ये मेरे ख्याल से, तो मैंने दिखाया था वीडियो में, याद नहीं है अच्छी तरह। तो देख सकते हो मैंने दो पिक की एफिशिएंसी 2 की। तो भाई देखते हैं क्या करें भाई। कि देखो मैं बड़े टाइम बाद आया हूँ, उसमें अभी कितना स्टार्टिंग करने लायक भी नहीं है जब तक हमने लेवल 1 है, ठीक है। तो भाई मैं आपको ये टिप देना चाहूँगा, अगर आपको लेवल अप करना है ना, आप माइनिंग करते रहो, थोड़ा थोड़ा होते रहेगा, मैं थोड़ा स्लो होएगा और हो जाएगा। तो थोड़ा सा करते कॉपीज में कलेक्ट कर लेते हैं, नहीं चाहते ना मैं बाद में बना रिकॉर्ड कर रहा हूँ वॉइस, अपनी वॉइस और कर रहा हूँ। कि मैं जब ये वीडियो बना था रात के भाई 12 बजे थे, रात के 12 बजे वीडियो बना रहा था मैं ये। तो कैसे कहते ना, और सुबह रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं बता दूँ मैंने ना उसके बाद थोड़ा सा और कर रहा है। और मैंने अपना आइलैंड लेवल 4 का कर लिया है, मेरे ख्याल से 4 का किया है या 3 का है। कि मैंने भाई को नैदर में गया था क्वार्ट्ज माइनिंग करने वापस से, कि आगे वीडियो में मैं गया था पर यार वहाँ पे लावा था, तो मैंने 3-4 वाटर रह गया तब जाके वो हुआ था। तो अभी देखते हैं, तो पहले पूछ लेते हैं कोई वो मैं पूछ रहा था कि भाई मेरे को भाई इतनी था स्टार्टिंग में नैदर जाऊँगा मरना जाऊँगा। ऊपर से ना क्वार्ट्ज के रेट इतने गिर चुके हैं भाई, इतने गिर चुके हैं क्वार्ट्ज के रेट। 2000 रुपये पहले होते 2 लाख रुपये स्टैक, अब 2000 रुपये स्टैक हो चुका है मेरे को याद इतने तो। अब एक दिन कौन है क्रैबियर भाई, क्या देखते हैं देते नहीं देते यार। तो भाई क्या कहते हैं भाई, जब तक चल जब तक कहते हैं थोड़ा माइनिंग वगैरह कर लेते हैं अपन, देखते हैं भाई कैसे है। मैं नया हूँ सर्वर पे, कैसा है मैं, मुझे क्या पता भाई, मैं अभी तो नया हूँ, मैं कौन सा करोड़पति हूँ। चलो कोई ना एक्सेप्ट करते हैं इसकी टीपी है रिक्वेस्ट आ गया। चलो क्रैब भाई मेरे से ज़्यादा मीरी है तू, देख इतनी तगड़ी स्वॉर्ड आर्मर ले रहा है, मैं देख कुछ नहीं ले रहा। बाकी थोड़ा टाइम रुक जाओ गाइस, आप भी देखो प्रोट 6 का आर्मर लेंगे, पूरा डायमंड प्रोट 6 आर्मर तो आएगा मजा। जल्दी जल्दी बोल यार, दिक्कत है चला गया अभी डंगर है। मेरे को लगा एक आधा कुछ दे देगा यार, नया बंदा हूँ मैं TP2 में। अच्छा कैसे करता हूँ ये बता दो, हाउ टू बी रिक्वेस्ट। अरे भाई तो सही है, कैसे करना भाई बताओ। स्लैश TP क्रैब, अच्छा भाई मेरे को चलो तो पूरा रख के देखते ना। स्लैश TP क्रैबियर या 6967 भाई नहीं है। स्लैश TP नूब करने गया नोब, तो इसमें तो क्या है, उस समय मैंने देखा नहीं था ये, इसने खुद ने लिखा है वो बाद में। चलो स्लैश TP क्रैब लिखते मैंने, अब देखा है इसने खुद ने लिखा, मेरे को लगा पहले किसी और बंदे लिखा है, ऐसे लिखना है तेरे को आलस में, पूरा नहीं लिखा इसने पर इतना ही लिखना था। बाद में अब रिकॉर्डिंग कर एडिटिंग करते थे मेरे को पता चला, देख रहा हूँ मैं एक्सेप्ट कर ले नू बड़े। उसको ये नहीं पता मैंने इसको TP रिक्वेस्ट भेजी है, नूब है यार ये भाई। इसको आइलैंड देखो भाई पूरा क्वार्ट्स बना हुआ, इतना सही आइलैंड लेवल 21 का, फिर भी नूबड़ा मेरे को कुछ दे नहीं सकता ये गरीब भाई। बहुत गंदे लगते हैं लोग यार, थोड़ा सा देते रहे तो बुला मत, बुला रहे तो भाई एक क्वार्ट्स दे दे, मैं फ्री में ले रहूँगा यार, पैसे तो दूंगा। क्वार्ट्स नहीं देते बंदे आजकल भाई, पता क्या है क्वार्ट्स का ना वो आ गया जब से ना ऑटो माइनर, तब से भाई क्वार्ट्स की वैल्यू डाउन हो चुकी है। जब पहले क्वार्ट्स का ऑटो माइनर नहीं था ना, तब क्वार्ट्स की वैल्यू थी 2 लाख, अब तो क्वार्ट्स का ऑटो माइनर से 2000 होगी वैल्यू भाई। वो है भी तो फिर बहुत महंगा, 10-20 हज़ार माना गया मेरे ख्याल से, 20 हज़ार मानना मैं कौन सा लाऊंगा। मेरे जैसा बंदा जिसको भाई और भी और थिंग्स खरीदने हैं धीरे धीरे, ऑटो माइनर खरीदने वगैरह ना, बहुत कुछ करते हैं यार। अगर आप में से कोई बंदा एफवी ग्रीन में तो थोड़ी हेल्प कर देना मेरी भाई, कि मैं भी इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ। अगर आपको ज़्यादा अच्छी तरह खेलने आते ना, तो मेरे को भाई कमेंट सजेशन देते हैं मेरे को क्या क्या करना है, ठीक है मैं आप करेंगे सारा कुछ वो भी। तो यार तो दिमाग खराब कर देता, पर चलते हैं स्लैश IS गो आई चलते अपने। कैसे कहते हैं आपको मेरे साथ खेलना, तो आप भी आ सकते हो फुल टेक मेरे वाले पे, मुझे ही नहीं पता मेंबर कैसे बनाते हैं, पर हाँ अगर मुझे पता चलता आपको भी बना देंगे यार, क्या दिक्कत है।
क्या मुझे भी यार, क्यों मेरे को आता नहीं क्या क्या करना था ना इसमें, तभी भाई मेरे को एक बंदा चाहिए। ओ भाई सर्वर रिस्टार्ट हो गया, चलो स्काई ब्लॉक में चलते हैं, स्काई ब्लॉक ग्रीन। ये भाई मेरे को कहते ना, मैंने जब पूछा था कौन सा सर्वर खेलना है, तो भाई बंदे ने कहा था स्काई ब्लॉक ग्रीन खेल लो फॉलन टेक का। तो भाई आप चुके हैं फॉलन टेक स्काई ब्लॉक ग्रीन में, भाई जो भी था भाई तू भाई, ये बात है यार। हम बता दिए भाई करना क्या, कि मैं ना पहले तो ये होता था भाई कि ना हम किसी और के आइलैंड वगैरह माइन कर लेते थे, मानना वगैरह अच्छा सब मिल जाता था, एमराल्ड माइनर हो गए, गॉड्स ब्लॉक माइन कर लूँ। तो भाई अब तो यार जिसके भाई कोई है ही नहीं यार जो कराए, जिसको कहूँ ना मेरा ऑटो माइनर है, ना भाई मेरा ऑटो माइनर है, करता ही नहीं भाई कोई। अगर आप में से भाई किसी के पास क्वार्ट्स वो ऑटो माइनर है या एमराल्ड ऑटो माइनर है ना, तो भाई मैं तुम्हारे आइलैंड पे यार मेरे को माइनर की जॉब दे देना भाई, आप अब थोड़ा माइनर कमा लेंगे। तो भाई चेक करते हैं कौन कौन सी क्रॉप चाहिए, उस वाले थोड़ा सा स्टिक स्टुक ले लें भाई, पेड़ की भी कमी ना, पेड़ भी लगाना पड़ेगा, पेड़ आई थिंक सैपलिंग खरीदना पड़ेगा मुझे एक। अरे भाई 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 चलो भाई स्टिक आ गई है, स्टिक से एक वो बना देते हैं हो, चलो भाई हो तो बन गया, या लो हो भाई कर लो हो कर लो भाई। ये कि 5 लेवल चाहिए वीट के लिए, पम्पकिन के लिए 75, कैरेट के लिए 50, बीट रूट के लिए 200 भाई। चलो स्लैश क्रॉप से देख सकते हैं, तो देखेंगे बाद में भाई। वैसे 75 चाहिए पम्पकिन के लिए, तो भाई 75 तो बहुत आगे है, 75 तो पोसे वोसे साल लग जाएंगे। पम्पकिन था पता नहीं, मेलन था आई थिंक, मेलन को लगते हैं 75 यार, ये याद नहीं, मैं बहुत टाइम बाद खेल रहा हूँ, कोई ना जितने भी लगते हैं लगने दो। अब लेवल 15 चाहिए मेरे ख्याल से नैदर वोट के लिए, तो नैदर वोट फार्मिंग करेंगे आगे भाई। और इसमें जो भाई आप बताते रहना, इसमें क्या क्या करना चाहिए। ये गाइस मुझे तो एक ही चीज़ पता करने के लिए कि नैदर में जाओ क्वार्ट्स माइनिंग करो। अरे भाई भाई लावा के अंदर आए भाई, लो भाई मरूंगा मैं, स्लैश आई इसको लिखते हैं भाई। क्योंकि मुझे तो भाई एक भाई लेवल अप करने का पता है कि कैसे लेवल अप करते हैं और कैसे मानना मिलता है। अब स्टार्टिंग में ना भाई हर बार मैं ऐसा करता किसी और के आइलैंड चल जाता था तभी। अब भाई अब मैं खुद का सारा कुछ करना चाहता हूँ और आइलैंड पर भाई जल्दी जल्दी जाकर ना थोड़ा कुछ करना चाहता हूँ भाई, पर कोई लेता ही नहीं भाई। पहले तो ये होता था वो मानने की कमी होती, अब तो भाई बंदा अंधा मानना पड़ा होता पता नहीं कैसे। तो पहले सबसे पहले तो आप पहुँचिए नाइट विजन, कहाँ है ये रहा नाइट विजन। अरे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मेरा भाई वो एक ही चाहिए अभी, तो भाई एक से ज़्यादा नहीं ले रहा अभी तुम्हें एग्जिट। और अब चलो भाई नैदर में, तो भाई देखते हैं भाई नैदर में अभी जा पाऊँ। इसमें पहले अदू कहते हैं ना कि मैं वो शुरू कर रहा हूँ, तो मैं पहले बता दूँ मैंने मैंने क्या क्या कर चुका हूँ मैं, ठीक है। अरे भाई वापस लावा मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, मैं 10 सेकंड इतनी दूर स्लैश है इसको, कि मैं वापस मैं जाके क्वार्ट्स का माइन कर चुका हूँ और मेरा लेवल 4 का आइलैंड हो चुका है, लेवल 4 या 5 का मेरे ख्याल से ऐसे ही है। फिर आप भाई अगले वीडियो में बोलो बताया नहीं वगैरह, तभी अगर मैं सोचा वापस बता दूँ, ठीक है। और अपने आई थिंक फिर पैसे भी अच्छे खासे हो गए मेरे ख्याल से नैदरक बेच बेच के भाई, नैदरक बहुत महंगा बिकता है, 2240 रुपये का स्टैक, ओ माय गॉड इतना महंगा, मैं तो भाई करोड़पति।